जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं उन्हें पेशेंट से मिलवाने से पहले मैं परमानेंट रेजिडेंट से मिलवा देता हूँ। ये हमारी स्टार बेटी जी टोफू, हमारी ऑफिशियल ग्रीटर, चाचू जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, चार्ली एचआरली, चरणदास द बाइटिंग हॉर्स, संजू बाबा हमारी वन ऑफ द अदर रेजिडेंट गोट्स, मीमी द डिप्रेस्ड शीप। हम एक फीमेल डॉग को सर्जरी के लिए लाए थे। जब सुबह नवीन आया, नवीन सबसे पहले आता है खाना देने के लिए, तो उसने एक बच्चे को जन्म दे रखा था। थोड़े ही टाइम में कुल 4 बच्चे अब हमारे साथ हैं जिन्हें हमें संभालना है। इसीलिए कहते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो यू नो आई कैन से अ बिच इन टाइम सेव्स नाइन। बाप रे, दिस इज सो क्यूट। सारे मेल हैं। बाप रे, हाय बेबी, हाय बेबी, हाँ ये कितनी पतली सी है, तो खुद ही बच्चा है। हाँ जी, बाल विवाह का नतीजा है ये। हार्डली 7 किलो है। ओह किसेस, ये यहाँ सेफ महसूस कर रही है ना, तो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है। वैसे कई बार क्या होता है कि ये लोग जैसे बाहर बच्चे देते हैं, लोगों को होता है कि बच्चों को माँ से अलग कर दें, पत्थर वत्थर मारते हैं, तब ये लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। तो लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। थैंक्स यार दादा। अब मैं आपको बाकी और मेंबर्स से मिलवाता हूँ। अमर, अकबर, एंथनी और चूचू, इनका जो है एक बड़ा सा कमरा एल्युमिनियम फ्रेम का हम तैयार करवा रहे हैं। पहले लकड़ी का सोचा था, पर वो लकड़ी बहुत ज़्यादा गल जाएगी, तो एल्युमिनियम का फ्रेम और स्टेनलेस स्टील की जाली, एंड देन इनके पास अपना बड़ा कमरा होगा जिसमें ये सब खेल सकते हैं। मैं आपको फार्म में ले जाता हूँ जहाँ पे जय और प्रतीक तन बना रहे हैं। आज रविंदर की तो छुट्टी है, पर रविंदर जाने से पहले सारा प्लान जे को समझा गया है। जे हमारे फार्म मैनेजर इन ट्रेनिंग है। हाँ भाई, तुम लोग छुप रहे हो, भाग रहे हो, क्या कर रहे हो? ये इन्होंने तन बनाया है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, तो बेसिकली है क्या, ये तो मेन लैटिस वर्क जो है ये बैम्बू का है, और फिर उसके ऊपर ये बीच में छोटी छोटी, इसको हम तरंगड़ कहते हैं। जब यहाँ पे बेले उग जाएंगी ना, और ऐसे लोड पड़ेगा जब कद्दू वद्दू यहाँ से लटकेंगे, तो वो गिरेगा नहीं, क्योंकि ये जो पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर है। देखिए वो जो छुप रहा है ना उधर दूर, वो जे है, हम उसके पास ही चलते हैं। प्रतीक को तो कोई कैमरे से नहीं घबराता है। जे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जी मैं इसकी लाइफ पे धजियां उड़ाता हूँ। मुझे एनिमल एरिया जाना है ताकि मैं आपको वहाँ पे टाइगर श्रॉफ का अपडेट दे सकूँ, और जो उस दिन बैल आया है जिसकी पूँछ कटी हुई थी, मैं आपको उसका भी अपडेट देता हूँ। इसका अभी हमने नाम गिरगिट रखा है, तो वैसे तो इसका इलाज ठीक चला है, पर ये कॉन्स्टिपेटेड है। अब जब ये सड़क से आते हैं ना, तो कह नहीं सकते कि इनके सिस्टम में क्या चल रहा है। लग तो रहा है कि इसने स्टूल पास किया, पता नहीं ये गोबर इसका है या साथ वाले का है। एनीवे, मैं आपको टाइगर श्रॉफ से भी मिलवाता हूँ। टाइगर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या है। टाइगर जब आया था ना, तो इसकी पूँछ पे एक ज़रा सी इंजरी थी। अब वो जो इन्फेक्शन है, वो होते होते क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया, और वो क्योंकि ये स्पाइन के पास है तो ये फैल गया। तो अब हाइंड साइड में हम कह सकते हैं, मतलब हम पीछे देखें तो हमें लगता है कि इसकी पूंछ काट देनी चाहिए थी। अब इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और डॉक्टर साहब का कहना है कि इसके चांसेस ज़्यादा है नहीं। 1:30 बजे के करीब एक और रेस्क्यू अभी आना है। ज्योति को पता होगा, ज्योति अभी फ़ोन पे है, ये फोन से हटती है तो मैं बताता हूँ। तब तक सर, टाइगर श्रॉफ के साथ हुआ क्या है? तो इसको टेल में इन्फेक्शन था बहुत टाइम से, वो हमने सारे एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लिए थे, लेकिन उसको रिकवरी कर नहीं पा रहा था। फिर एकदम से वो बैठ गया, एनर्जी लेवल उसका डाउन होने लग गया इन्फेक्शन के कारण, और अब उसकी कंडीशन ऐसी है कि अगर हम उसको एंटीबायोटिक्स पे डाल रहे हैं तो उसको डायरिया लग जा रहा है, डायरिया रोक रहे हैं उसका, तो फिर उसको इन्फेक्शन हो जा रहा है, फिर वो बैठ जा रहा है। तो अभी दोनों उसमें चला। आपको लगता है कि हम इसका एम्पूटेशन कर देना चाहिए था, इफ़ यू लुक बैक एट इट? हाँ, पर एम्पूटेशन हम इसलिए नहीं करते उस वक्त, क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि जितना हो जाए बच जाए, पर इसका इन्फेक्शन क्योर ही नहीं हो रहा, क्योर ही नहीं हो रहा। बीच में ठीक हो गया था ये, जब ये एक बार यहाँ आया था ठीक हो गया था, इन्फेक्शन भी काफ़ी हद तक क्लियर था, फिर एक बार बाहर गया उसका फिर से इन्फेक्शन हो गया। पता है, इसमें एक लाइफ लेसन ये भी है कि कई बार मुझे लगता है हम अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को ज़्यादा समय तक रख लेते हैं, और मुझे लगता है समय रहते वी कट आर लॉसेस तो आर लाइव्स कैन इंप्रूव। ओह, ज्योति फ्री हो गई है। ज्योति, 1:30 बजे कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सर, ये नैन पुकर से एक बैल आ रहा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है सुबह, और उसके पूरे रीढ़ की हड्डी में डैमेज है, बहुत ज़्यादा बड़े वुंड है और काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव है उसके। आप किचन में कहोगे ज्योति के लिए कॉफ़ी बना दें।
देखिए आप कहेंगे कि हंस रहा हूँ मैं, जबकि टाइगर श्रॉफ की तबीयत ऐसी। अब अगर हमें ये काम करना है ना, तो हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। अगर हम हर जानवर जो क्रैश कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है, जिसे हम नहीं बचा पा रहे, इफ़ वी गेट सैड अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, तो हम जो हैं उनकी भी मदद नहीं कर पाएंगे। टुडे इज वेंसडे, मेरा वेंसडे खासा अच्छा नहीं जा रहा, अभी मैं शूट करने लगा था तो एच डी कार्ड एरर आ गया। एनीवे, वैसे मैंने देखा अनटिल आई लूज माई कूल, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। बाय द वे ये प्रिया है, प्रिया इज जस्ट जॉइंड अस, पर अभी मैं इनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी अभी तेंजिन ने बताया कि कोई रेस्क्यू आया है, मैं वही देखने जा रहा हूँ। अगेन इट्स अ पिग ट्रैप केस। सर अंदर है रेस्क्यू? कौन लाया ये? ओ, इसका तो पैर कट ही गया है। साहिल क्या केस है इसका? कोई लाया है अभी इसको? कॉल आई थी, हम ही लेके आए। वो दिनेश ने देखा था, आप जाते ना सुबह। कहाँ से लाए हो? कैचिंग पे कौन गया था? साथ में मीडिया? हम देखने गए थे, हम मिल गए फ्रेंड्स, हमने पकड़ा। ओके, आसानी से ही पकड़ा गया। ये इंक्वायरी चल रही है, अपेरेंटली किसी ने किसी कैनल पे गोबर फेंका है। So maybe somebody threw cow dung at the dog to shut them up. No. Yeah, because it hit here. Yeah, it hit here and then splattered. Apparently yahan pe logon ko gussa chadh raha hai kutto pe aur kisi ne gobar phenka hai, or maybe it was like a cow that really got pissed. Doctor Ankit, aapko bhi thoda lagna chahiye, aapke under ho raha hai kaam. Kutto pe gobar phenka ja raha hai. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा, बट इट जस्ट गॉट बेटर। निखिल और भारत यहाँ पे सोनीपत से आए हैं, दे आर रेस्क्यूअर्स, फीडर्स। ये सिर्फ 20-20 साल के हैं, एंड ऐसे लोगों से मिलके मेरे को खूब इंकरेजमेंट मिलती है। अभी इन लोगों का मैंने एक इंटरव्यू लिया है, दे गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू देयर पेरेंट्स, वो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे रहेगा, लोकेट रॉबिन पे। इसमें नवीन लट्टू को ला रहा है, हमें बी रोल के लिए एक शॉट चाहिए और ये लोग बैठ के वॉइस ओवर कर रहे हैं। तुम जो के वीडियो के लिए कर रहे हो क्या? जो को अभी ना हिंदी पूरी तरह आती नहीं है, मेरे ख्याल से अधूरी भी नहीं आती, तो इसलिए रवीना को सारे उसके वीडियो डब करना पड़ते हैं। और इस समय ना फार्म पे शहतूत भी बहुत लगे हैं, ये मेरे ख्याल से बिंद्रेश यहाँ पे तोड़ भी रहा होगा। यस, सारे काले काले ही लगे हैं जी सर, सफेद नहीं लगे कहीं? सफेद इधर लगे सर, ये भी थोड़ा पिंक है। कच्चे शहतूत, हरे शहतूत खा लें तो बंदा ऐसी स्टेट में आ जाता है जैसे नशे वाली स्टेट में, पर उल्टियाँ भी बहुत आती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। कल शाम को मैं फार्म पे था नहीं, मुझे वेनू ने भी बताया कि रेस्क्यू आया था, तुषार ने उसको शूट तो किया है पर अभी उसका स्प्लिंट होने लगा है, तो वहाँ चल के देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या केस है। ओ बाबा रे, ये किसको पता है इसका केस? जो पर्सन लेके आए हैं उनको ये नदी के किनारे मिला था पड़ा हुआ पानी में, उन्होंने उठाया। कहा? ये है बरहम ज्वाली के पास। अब ले लो रेस्क्यू कॉल, ले लो जी। ज्वाली यहाँ से काफी दूर है जहाँ तक। ओह बाय द वे यहाँ पे इस समय स्नैक चल रहा है। ए, ये केले फिर हरे हरे आ रहे हैं यार। ये मुझे ज्योति से बात करनी होगी, जब ये कॉल से हटती है तो बात करता हूँ। अभी टेम्परेरी कर रहे हैं क्योंकि अभी 3 दिन गाड़ी, 3 तारीख को जाएगी पालमपुर, तब हम इसे भेजेंगे, तब एक्सरे होगा, तब पता लगेगा, तब आगे पता। पूरा ही फ्रैक्चर लग रहा है, राइट? तो स्प्लिंट तो आप टेम्परेरी कर रहे हो टाइप जी। डॉन जी दोस्ती हो गई है उससे, नवीन से। भाई देखिए अब थोड़ा इसका बिहेवियर में फर्क है, मुझे देख के भौंक भी नहीं रहा। केले फिर देखो, केलों का रंग देखो, दिखाना कमल जी। मैंने लड़ाई करा दी इनकी, इनको आते ही यार किसी बोरी में रख लिया करो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ कैमरा है टोफू, प्लीज। फाइनली नवीन मेरी पकड़ में आ गया और ये अब जाएगा डॉन के साथ, खतरों का खिलाड़ी। बाबा रे, तो अब तो इसको घुमाने भी ले जा सकते हो नवीन, अब क्या है? तो एक भाई जो ज्योति से बात करना, देखना आप अडॉप्ट कर रहे हैं वाले हो क्या इसको? नहीं सर। क्यों? घर के पास भी किसी को पा सकता ना ये, पता किसी फार्म हाउस में सही रहे जहाँ थोड़ी बाउंड्री वॉल वगैरह हो, ताकि ये घूमता फिरता फिर शर्मा गया लड़का अंदर चला गया। हे ज्योति ले आई पीले केले। हाँ जी हाँ जी, अब क्या कहना है आपको? पर सर, हाउ अबाउट दिस? आई एम सॉरी, मुझे दिखे नहीं थे पीले केले, मैंने इसलिए हरे वाले ले लिए। नहीं सर,
नहीं सर, नहीं नहीं, इतनी देर में पक गए केले। हमारी एक और वॉलंटियर ना यहाँ पे आई हुई है जो वर्क एक्सचेंज के इच्छुक हैं। अब बंद भी कर दोगे? थैंक यू। हे महिमा, हाय, कैसा चल रहा है आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा चल रहा है, मैं वेटनरी सीख रही हूँ इन लोगों से। हाँ, देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, शाइनी जो है, शाइनी का पक्का नहीं था कि शाइनी अप्रैल में यहाँ से जा रही है नहीं, बट शाइनी हैज एक्सटेंडेड फॉर अ ईयर और टू। यस, मैं इससे पहले आपको फार्म से बाहर लेके जाऊँ, अब एनिमल एरिया के अलावा जो फार्म के अंदर चीज़ें चल रही हैं मैं थोड़ा आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। अब ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये थोड़ी जौ लगी है, थोड़ा गेहूं लगा है, थोड़ा सरसों लगा है, और ये लगे हमारे स्नो पीज, ये भी सूख गए हैं। और इसका बीज बड़ा ही सुंदर होता है, मैं देखता हूँ अगर एक आध मैं आपको खोल के दिखा सकूँ तो। यस, दिस इज़ नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, इसके बीज थोड़े यूजुअली पर्पल कलर के रहते हैं, आई मीन ये शायद ठीक नहीं निकला। फार्म के अलावा मैं आपको बताता हूँ कि शिवानी जी यहाँ क्या कर रही हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे कपड़े आते हैं डोनेशन में, इसमें से कुछ कपड़े होते हैं जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो हम उसको यूज करते हुए ये कुशन्स बना रहे हैं। ये कुशन्स बेचने के लिए? नहीं, ये कुशन्स हमारे ऑफिस के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नीचे बैठना चाहते हैं फर्श पे, तो ये उसकी मदद, ये बैठने में आसानी। तो पीछे पूजा यही कर रही है क्या? पूजा डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। पूजा यहाँ पे बैग्स बना रहे हैं हम पुराने डेनिम्स को यूज करते हुए। कोई एग्जांपल? जैसे कि पूजा फिनिश बैग्स हैं, जैसे मैं ये दिखा देती हूँ सैंपल। ये काफी बड़ा बैग है, तो खास तौर पे ये हमारे को कस्टम ऑर्डर आया है। बिंदी जो हमारी फार्म की सपोर्टर हैं, हमारी फ्रेंड हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। इसमें ये 20 किलो का खाने का सामान रखना चाहते हैं, वो तेल रखना चाहते हैं, चावल दालें ये सब कुछ इस बड़े बैग में रखना चाहते हैं, और ये डोनेशन में वो आगे मंदिर में या गुरुद्वारे में देना चाहते हैं, तो इसलिए ये इतना बड़ा बैग बन। आप लोग यही अपडेट देख रहे हैं इस समय शायद, इस पे काम कर रहा है। दिस इज वेरी साइक्लिक क्रिस्टोफर नोलन। नमस्ते आंटी, आप क्या बना रहे हो? कड़ी? कड़ी तो नॉन वीगन होती है, दही कहाँ से लाया? इमली डाली हुई है। इसकी कर दी स्प्रिंटिंग ज्योति। वो जो डॉग आया वायर ट्रैप वाला, वो कहाँ है? वायर ट्रैप वाला डॉग कल लाइक आया ना, जिसका पैर सर वायर ट्रैप हुआ था, उसका पैर ऑलरेडी कटा हुआ था। वो कटा कैसे? सर कोई कुछ पता नहीं, क्योंकि वो हील्ड है, ऑलरेडी हील्ड है वो, लेकिन उसका नीचे का हिस्सा जो बेस है ना, वो मतलब उसमें डैमेज है अभी भी, क्योंकि वो घिसता है। तो एम्प्यूटी डॉग है, किसी ने एम्प्यूटेट करके रिलीज किया हुआ है, कुछ ऐसा है क्या? कुछ अंदाजा नहीं है सर। तो वो है कहाँ पे डॉग? R1। ठीक है, मैं आपको डॉग एरिया में लेके चलता हूँ। ज्योति से एक और चीज़ पूछनी है। ज्योति, आई नोटिस यू आर ऑल्सो वेयरिंग अ कॉलर। अच्छा, कॉलर नहीं है, कुछ और ही टांग रखे है। क्या टांग रखा है? सर जो चाबी खो गई थी ना, इसलिए। आई सी, मिल गई चाबी वापस? नहीं सर, ये बैकअप की है। यस, काम कर लो तीन दिन जाके कुछ। हाँ, ये साहब हैं, तो हमें लगा था कि इनको कल ये वायर ट्रैप में आके पैर कटा है, पर अपेरेंटली पता नहीं है, और इसका पैर जो है ना हील्ड है, लेकिन रगड़ रगड़ के इसमें चोट लग गई है। महिमा, ये वही डॉग है जो आपका प्रोजेक्ट है जिससे आप फ्रेंडली हो रहे हो? हाँ, बट भी बहुत डरता है। अच्छा, मतलब देख के ही घुराना लगता है। हाँ, थ्योरी प्रैक्टिकल में फर्क सा हो रहा है। देखो, पीपल फार्म में आके बड़ी तरह की लर्निंग होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप मेडिकल चीज़ों के बारे में या खेत के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में सीख रहे हैं, लाइफ के बारे में बहुत कुछ हम सीखते हैं। हम लोगों ने पहली बार ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें हमारे पास एक्टर्स हैं, और ये शाइनी ने स्क्रिप्ट लिखी है, डायरेक्टर साहब ने वीडियो बनाया। इसको मैंने ये बोला था कि मुझे रोल दे दियो, इसने दिया नहीं, दिया नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं दिया? ये तो बता, तीन ही लोग थे तो तीन में से एक मैं क्यों नहीं हो सकता था? ये कब आ कब रहा है वीडियो? ये जाता रहा है नेक्स्ट फ्राइडे, बट आज रेडी हो गया रेडी। हम लोगों की कोशिश होती है कि एक हफ्ता पहले यह वीडियो
रेडी हो जाएं। पहले एकदम मारा मारी हो रही थी तो सबटाइटलिंग भी रह जाती थी। अब अपन लोग अपडेट डेली शूट करें ना, तो वेंसडे को मैंने बताया था कि प्रिया ने हमें ज्वाइन किया और मैं रेस्क्यू आया है, उसके बाद प्रिया से मिलवाता हूँ। अब आज मुझे समय मिला, शुक्रवार हो गया। नमस्ते। क्या करेंगे प्रिया आप यहाँ पे? तो इस वक्त हम सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हमारे वेटनरी हॉस्पिटल डिज़ाइन के लिए, जिसके लिए हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, थोड़ा केस स्टडी कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली हम एक कम्युनिटी स्पेस बिल्ड कर रहे हैं। जो हमारा फूड फॉरेस्ट है ना, वहाँ पे हम खाने का ऐसा एरिया बनाएंगे कि विजिटर, वॉलेंटियर, स्टाफ सब लोग मिलके खा पाएं। क्योंकि पहले सब इकट्ठे खा लेते थे, लेकिन 6-8 लोग थे, अब हमारी 40 लोगों की तो टीम हो गई। एक्चुअली 40 लोगों की टीम, 10 वॉलेंटियर, तो ये सब लोग इकट्ठे बैठ ही नहीं पाते। तो ये प्रिया सॉल्व करेंगी डिज़ाइन की मदद से। व्हाट अ कॉन्सेप्ट। फ्राइडे इवनिंग मैं और तुषार अभी बाहर से एक वीडियो शूट करके आए हैं, तो रवीना ने बताया कि एक रेस्क्यू आया हुआ है। अभी मैं आपको कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करा दूँ। डॉक्टर कमल सर जो हमारे यहाँ वॉलंटियर आए थे वर्क एक्सचेंज पे, अगर इनका बातचीत सही रही तो ये जॉब भी हो जाएगी सही। दिनेश हमारे इंग्लिश मैन, ये मुझे सारी नई चीज़ बता रहा है कि हमारे पास कोई फोम के गद्दे आए हैं। यू नो दिस इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई वांट टू रन, जहाँ पे चीज़ें अपने आप हो रही हूँ। मुझे बताएगा क्या वो ट्रीटमेंट करने के लिए सोफ्ट है ना गद्दा, फोम का है तो बात वो लेदर का लगा ताकि अंदर पान कीला ना हो। लेदर या रेक्सिन? रेक्सिन तू मरवाएगा, हम वीगन फार्म है। संजय जी क्या केस है तू बताएगा? वो गाय को एक फ्रैक्चर है, प्लस किसी ने काट दरार से मारा हुआ है साइड में ना, कट है ये गोयल भैया से। हाँ पता लगा मुझे। ये बैल अभी कांगड़ा से संजय जी लेके आए हैं, ज्योति या साहिल इसकी डिटेल बताएंगे। लंगड़ा रहा है ये, वो इसकी दूसरे पैर पे चोट है, ये इसके ऊपर चोट है और यहाँ पे ना नीचे किसी ने इसको दरात मार दिया है। अभी मैं इन लोगों का सबका डिनर टाइम इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मुझे बताना है। शायद तो मेरे साथ आ गया यार, भोपू की सर्जरी फाइनली हो गई है। आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे उसकी जो स्पे सर्जरी है, स्टरलाइजेशन, जिससे उसके आगे का कभी बच्चा नहीं पैदा होगा, वो हो गई है। ये इसका इंसिजन है, अब एक बार ये हील हो जाती है तो फिर हम इसको वापस रिलीज कर सकते हैं। साहिल इसका अडर भी कुछ छोटा हुआ है क्या? छोटा एक साइड हो गया, छोटा हो गया। ये कैसे हुआ? वो दूध बंद हो गया ना, तो दूध तो इसको वैसे ही नहीं था अंदर, थोड़ा बहुत आता था जब लक्ष्मी उसकी थोड़ा बहुत आता था। अच्छा तो इसकी प्रॉब्लम यही है कि भाई इसका बच्चा होता है तो इसको दूध तो ये ठीक से पिला नहीं पाती, तो इसकी स्टरलाइजेशन जरूरी थी। अब इन लोगों की स्टरलाइजेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, नहीं तो बड़ा ही अच्छा हो जैसे डॉग्स की स्टरलाइजेशन होती है इनकी भी हो जाए, ताकि कम से कम सड़क पे बछड़े पैदा होना तो बंद हो। आई नो मैंने कहा था कि ये भोपू का अपडेट लास्ट अपडेट है, पर एक और गुड न्यूज है। मिनी चुंबक और लिलीपुट जिसके पैर पूरी तरह सीधे हो गए हैं, ये तीनों दिल्ली गए हैं आगे कनाडा में अपने परमानेंट होम्स में जाने के लिए। तो अब मैं फार्म के बाहर जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा जो और साइट्स हैं जहाँ पे हम बंगलोज बना रहे हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है। लॉर्ड हैज़ चेंज्ड पिछले कुछ महीनों में, तो आपको एक अपडेटेड प्लान मैं बता दूंगा। अब मैं आपको वहाँ लेके चल रहा हूँ जहाँ पे हमने पहले कहा था हम काउ सेंचुरी बनाएंगे। अब हम यहाँ पे काउ सेंचुरी नहीं बना रहे क्योंकि पीपल फार्म के अंदर जो क्लिनिक है, रिकवरी एरिया है, वो सब कुछ एक पूरी नई जगह मूव हो रहा है। हम पूरा एक हॉस्पिटल बना रहे हैं एंड पीपल फार्म के अंदर ही काउ सेंचुरी और जितने भी एनिमल्स को सेंचुरी चाहिए उनको वो मिलेगी। और ये जो एरिया है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सब कुछ एज एन इको विलेज हम डेवलप करेंगे। पर ये इको विलेज हम खुद नहीं डेवलप करेंगे, हम चाहते हैं कि जो लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो यहाँ आएँ, कैंप करें, अपने लिए टेम्परेरी अकोमोडेशन बनाएं, इवन कॉम्पोस्टिंग टॉयलेट्स बनाएं, वही इसको रीफॉरेस्ट करें, यहाँ पे बियर बॉटल की वॉल बनाएं, तो एक अनमैनेज्ड बट कोलैबोरेटिव काम होगा यहाँ पे। देखिए जैसे मुझे वुडन पैनल्स मिले थे योल से, तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट करा दिए हैं। बहुत से लोग जो ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन उनके पास लैंड नहीं है, तो उनके लिए एक ओपन इनविटेशन है। तो आप हमें संपर्क करिए,
हमारे वेबसाइट के माध्यम से, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पीपल शुड पुट इन अ लिटिल एफर्ट एंड थॉट बिफोर वो हमें कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको यहाँ पे जो पड़ोसी हैं मैं उनसे भी मिलवाता हूँ। तो ये जो बैम्बूज हैं ये हमारी लैंड में आते हैं और साथ ही में चचा का घर है। भाई सी बात है, चचा हमारी फिलॉसफी से अग्री नहीं करते, इन्होंने गाय बकरियाँ पाल रखी हैं। मैं देखता हूँ चचा घर पे हैं, शायद घर पे कोई अभी है नहीं। बाय द वे ये ट्रेडिशनली ही मड ब्रिक का घर बना हुआ है। मैं बाद में इनकी परमिशन से ही डालूंगा तो मैं फ़िलहाल ले तो लूँ ही। ये इनकी रसोई है और काफ़ी दीवार के अंदर ही काफ़ी इन्होंने अच्छा बना रखा है। घर के पास ही देखिए किचन गार्डन जिसमें धनिया वनिया सब लगा हुआ है। चचा नहीं है घर पे क्या? नहीं। अच्छा आपके पापा हैं घर पे? बाय द वे ये जो भैया हैं नहीं है, ये टीचर हैं और इनके जो पिताजी हैं ये घराट चलाते हैं। घराट हुआ आपका पानी से चलने वाली एक चक्की होती है जिसमें हम आटा वगैरह पीसते हैं। तो घराट का जो पिसा हुआ आटा है उसका वो एक तो ज़्यादा नरम बनती है उसकी रोटी, पौष्टिक भी ज़्यादा रहता है। मैं ठीक यही कह रहा हूँ ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा क्यों, घराट में बेटर क्यों होता है आटा? घराट में बेटर होता है कि उसमें हीट ज़्यादा नहीं होती है, जब वो दैट्स बेटर ट्रायल मूव करती है ये चलती है। जैसे वो दो होते हैं पत्थर से बने जो पार्ट जो चक्की के पार्ट होते हैं जो पीसते हैं आटा को, बिल्कुल आराम से पीसते हैं उसको। तो अगर आप लोग हमें कमेंट्स में बताएंगे ना आप देखना चाहते हैं तो हम इनके घराट जाके एक बार उसका वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अरे चचा भी आ गए। चचा मैंने आपके घर का वीडियो लिया है, शेयर कर सकते हैं ना? ठीक है। बाकी और खरे ने एक और जो यहाँ पे हमारे पड़ोसी हैं जो एब्सेंट हैं, ये उनका मकान है या काव शेड है पता नहीं, पर ये बिल्कुल अबैंडनड ही पड़ा है। एक बारी चल के देखते हैं कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। मुझे ऐसी बिल्डिंग जो है ना बड़ा ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। देखिए ओ इसका ये बनी भी पत्थर और गारे की हुई है, गारा मिट्टी, जब हम मिट्टी का जो मोर्टर बनाते हैं उसको गारा कहते हैं। तो ये सारे खाडू पत्थर, हर तरह का ही पत्थर लगाया, गोला भी लगाया खाडू भी लगाया। खाडू इज़ वो जो जिसे हम ग्रैनाइट कह सकते हैं। यहाँ पे एक ज़रा सी एंट्रेंस तो है, ऐसी जगहों पे ना सांपों सूपों का बड़ा खतरा रहता है वैसे तो। यहाँ पे काव शेड भी है, मैं आपको ट्रेडिशनल काव शेड दिखाता हूँ कैसा है। तो ये देखिए ये सारा मिट्टी का ही बना है और नीचे गाय रहती है अभी तो नहीं है, और साथ ही में ऊपर जो है तूड़ी भूसे का प्रबंध ऊपर रहता है तो इससे थोड़ा गर्मी भी मिल जाती है सर्दियों में। अभी एनिमल एरिया में भी ना वो एक गाय का इलाज करने के लिए उनको सफ़ेदे के पत्ते चाहिए थे जो मिल नहीं रहे थे। भाई सफ़ेदे के पेड़ पे चढ़ेगा तो हाय बैल चढ़ेगा तो चढ़ेगा कौन, पर मुझे ध्यान है कि यहाँ पे एक सफ़ेदे का पेड़ गिरा हुआ है। सफ़ेदा मतलब यूकलिप्टस। ये सारी आवाज़ आ रही है ना ये पानी की आवाज़ है, यही पानी आगे घाट से आगे चक्की को चलाता है जिससे फिर हम गेहूं वगैरह की पिसाई कर सकते हैं। तो ये फेटा था सफेदा, फेटा मतलब ये लेटा हुआ है, वैसे तो सीधा होता है तो चढ़ने में दिक्कत होती है। कितने चाहिए पत्थर आपको? थोड़े मत ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। थैंक यू भैया। तो ये जो रास्ता है ना इको विलेज वाली साइड का ये बहुत ही अच्छा है। आप देखिए यहाँ पे बहुत कुछ रास्ते में लगा है, ये जंगली गुलाब है, इसको अपन लोग गुलाबड़ी कहते हैं। तो इसकी बेल ऊपर तक चढ़ जाती है और रस्ते में कुछ एडिबल पौधे भी हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, ये कूल चली है तो हमारा रीफॉरेस्टेशन जो प्लान है उसके लिए पानी तो तसल्ली से हमें मिल ही जाएगा। ये किसी ने उगा रखे हैं क्यों क्यों हुआ आपका ब्रॉड बीन, और अब तो खैर गर्मियों में सब हार्वेस्ट का टाइम हो रहा है। ये लगा इनका लहसुन और पीछे लगे सौंफ। सीरियसली गाँव में रहो ना तो बंदे को पता लगता है कि भैया कौन सी चीज़ सीजनल है। और बकरियां जो बेटी जी जित फॉर्चुनेट नहीं है इन्होंने अल्टीमेटली कटना है, और गायें और बैल जो टोफू जितने फॉर्चुनेट नहीं है। मुझे इसका नाम नहीं याद, इसका नाम नेस्ट्रियम नॉस्ट्रियम क्या होता है, पर ये ज़्यादा पानी वाली जगहों के पास उगता है और काफ़ी स्पाइसी सा फूल होता है। आप इसको सैलड पे काट के खा सकते हैं। गेंदों के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि
गेंदे जो है ना, इनको वो वाली मिट्टी पसंद है जहाँ पे खास फर्टाइल ना हो, जो उपजाऊ ना हो, और वहाँ पे इसका बीज आप डाल सकते हैं। गेंदे का बीज तो जो भी इसके सूखे हुए फूल है ना, जैसे ये इसका सूखा हुआ फूल है, तो इसी को आप करें, यही इसके, यही जो है इसके बीज हैं। आप इसको मिट्टी में थोड़ा मिक्स करके, ज़्यादा गहरा नहीं, मिट्टी में मिक्स करके पानी दे दीजिए, थोड़े ही टाइम में इसकी उरी यानी कि कुछ स्प्राउट्स आ जाएंगे और फिर वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये जो मेरे पीछे सारा आपको दिख रहा है, ये गेहूं लगा है, पर खेदजनक बात ये है कि यार इसको कोई ऑर्गेनिकली नहीं उगा रहा अब, तो पहले घास मारने वाली दवाई स्प्रे करते हैं भाई, ताकि वीडिंग ना करनी पड़े। पहले क्या था कि जो बीच में घास वगैरह उगती थी वो उखाड़ के गाय को देते थे, अब समय नहीं है भाई किसी के पास, हर किसी को फटाफट सब कुछ चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों, उस समय का करना क्या, या तो आप उस समय का यूटिलाइज़ कर रहे हो ना भी, बड़ी किसी की आप मदद कर रहे हो, देश के लिए जंग लड़ रहे हो, खाली समय में लोगों ने शराब पीनी, टीवी देखना, मतलब थोड़ा जजमेंटल साउंड कर रहा है, आई एम सॉरी, बट ऐसी कन्वीनियंस का क्या फ़ायदा कि एक तो आप पहले जहर खा रहे हो और फिर जो उससे समय बच रहा है उस समय में भी या तो आप अपना शराब पी के फिर बॉडी को पल्यूट कर रहे हो, या टीवी देख के माइंड को पल्यूट कर रहे हो, या गप्पे मार रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, लोगों की चुगलियाँ कर रहे हो, आई डोंट नो, सारा सिस्टम ही हिल सा गया है। ये जो मेरे पीछे ईंटों का चट्टा लगा है ना, ये जो सारी मड ब्रिक्स हैं, ये जो फार्म के साथ बंगलोज बन रहे हैं वहाँ पे यूज़ होंगे। इस समय मैं जिस लैंड पे हूँ, ये लैंड पे भी और बंगलोज बनने हैं, क्योंकि हमारी टीम बढ़ती जा रही है और हमारे पास अकोमोडेशन की कमी है। अब ये जो साइट है, इसी के एडजॉइनिंग जो ग्रीन हाउसेज हैं, ये लैंड भी हमने एक्वायर कर लिया है, और यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, और पीपल फार्म से क्लिनिक, रिकवरी काउ शेड, कैनल्स, सब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड देन पीपल फार्म में सिर्फ फार्म होगा, रेजिडेंस होगा, हमारा ऑफिस और एनिमल सैंक्चुरी। तो कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको अपडेट का हमारा ये स्टाइल कैसा लगा। थैंक यू, बाय।